आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी मखंडी हलवा बनाना बताती हूँ। कैसे बनाया जाता है? इसे सूजी से बनाया जाता है, लेकिन सूजी के हलवे से इसका टेस्ट एकदम फर्क होता है और इसका बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है और ये खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप एक बार इस हलवे को खा लिया तो आप और हलवे तो खाने बिल्कुल भूल ही जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। मखंडी हलवा बनाने के लिए ये हमने एक कप महीन वाली सूजी ली है, ये मिक्सिंग बॉल लिया है, जो हमने सूजी ली थी वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। ये दूध हमने बॉईल कर लिया है, इसके बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। अब हम इसके अंदर 2 कप दूध डाल देते हैं। दूध आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप पीना पसंद करते हैं। हमें इसके अंदर गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। अब दूध को सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब दूध सूजी में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब सूजी को 1 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देते हैं और ढक देते हैं। 1 घंटा करीब हो गया है, अब ये सूजी भी फूल गई है। चलिए अब हलवा बना लेते हैं। हलवा बनाने के लिए गैस पे पैन रख दिया है। ये हमने 1 कप देसी घी लिया है, इसमें से हम 1 चम्मच घी ले लेते हैं और इस पैन में डाल देते हैं और घी को मेल्ट होने देते हैं। हमें हलवे में देसी घी का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि देसी घी का बना हुआ हलवा खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। घी मेल्ट हो गया है। ये हमने 6 से 7 काजू लिए और 6 से 7 बादाम, इन दोनों चीज़ों को हम घी में डाल देते हैं और काजू और बादाम को लगातार चलाते हुए हल्के गोल्डन कलर का भून लेते हैं। काजू और बादाम हल्के गोल्डन कलर के हो गए हैं। ये हमने थोड़ी सी किशमिश लिए हैं, वो भी डाल देते हैं। थोड़ा सा नारियल जिसे लंबे पीस में काट लिए इसे भी डाल देते हैं और सभी चीज़ों को हल्का सा भून लेते हैं, क्योंकि नारियल और किशमिश बहुत जल्दी भुन के तैयार हो जाते हैं। अब ये सभी चीज़ें भुन गई हैं, अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमने सभी ड्राई फ्रूट प्लेट में निकाल लिए हैं। इसी घी में जो हमने घी लिया था उसमें से हम 3/4 कप करीब घी इसमें डाल देते हैं और 1/4 कप घी बचा रहने देते हैं और घी को मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट हो गया है। ये हमने 1 कप चीनी लिए, वो हम घी में डाल देते हैं। अब चीनी को लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पर घी में मेल्ट कर लेते हैं। फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है, जिससे कि चीनी जले ना, क्योंकि चीनी बहुत जल्दी जल जाती है। ये हलवा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसे बनाना भी बहुत आसान है। सभी चीज़ों को हमें लगभग 1 कप के करीब लेना है और दूध हमें 2 कप लेना है। इसका मेजरमेंट भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसी तरीके से हमें लगातार चलाते हुए चीनी को मेल्ट करना है, जिससे कि चीनी नीचे तली में ना लगे। इस हलवे को बनाने में थोड़ा सा टाइम जरूर ज़्यादा लगता है, लेकिन ये हलवा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप देख पा रहे हैं चीनी धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गई है। आप देख पा रहे हैं चीनी में क्रिस्टल बनना शुरू हो गए हैं। बस इसी तरीके से लगातार चलाते हुए चीनी को हमें कैरमलाइज करना है, यानी चीनी को मेल्ट करना है। आप देख पा रहे हैं चीनी मेल्ट हो गई है। बस हमें चीनी को इसी कलर का रखना है, हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अगर आपको डार्क हलवा पसंद है तो आप इस चीनी को थोड़ा सा और पका सकते हैं। जो हमने दूध को सूजी में भिगोया था उसको हम इस तरीके से चला देते हैं, जिससे कि सूजी पूरे दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब सूजी को इसमें डाल देते हैं। अब सूजी को मिक्स कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि चीनी के क्रिस्टल बन गए हैं, देखिए। लेकिन ये चीनी धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि घी गर्म था और हमने ठंडी सूजी डाली है, उसकी वजह से ये ऐसा हो गया है। हम हलवे को जैसे जैसे पकाते जाएंगे चीनी मेल्ट होती जाएगी। हमें इस हलवे को इस तरीके से चलाते हुए पकाना है। फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। आपको हलवे में जो चीनी दिख रही थी आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे मेल्ट हो गई है। इस हलवे को बनाने का तरीका एकदम अलग है। इस हलवे को इसी तरीके से पकाया जाता है। आप देख पा रहे हैं ये हलवा देखने में कितना सुंदर लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका टेस्ट सूजी के हलवे के टेस्ट से बिल्कुल फर्क होता है।
इस हलवे को पकाने में 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है और फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। आप देख पा रहे कितना बढ़िया कलर आया है। आप देख पा रहे हलवे ने घी छोड़ दिया है। अब ये हलवा बनके तैयार हो गया है। अब जो घी बचा था उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अगर आपको ज्यादा घी पसंद है तो आप इस घी को हलवे में डाल सकते हैं। ये हमने 4 से 5 छोटी इलायची ली है, वो डाल देते हैं। इससे खुशबू अच्छी आएगी और हलवा खाने में भी टेस्टी लगेगा। अब जो हमने ड्राई फ्रूट भुने थे वो हम हलवे में डाल देते हैं और इसमें से हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट बचा लिए हैं और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब ये मखंडी हलवा बनके तैयार हो गया है। आप देख पा रहे कितना खिला खिला बना है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और हलवे को गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप देख पा रहे कितना बढ़िया मखंडी हलवा बनके तैयार हुआ है और कितना खिला खिला बना है। इसका एक एक दाना खिल रहा है। मैंने आपको जिस तरीके से बनाना बताया है उस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका भी बिल्कुल ऐसे ही बनके तैयार होएगा और ये हलवा खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और इस हलवे के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा तो अभी ही खाने का मन कर रहा है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और आप मुझे ये भी बताइए कि आप इसे कब बना रहे हैं। आप इस हलवे को किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं या आपके घर में पार्टी है तब भी आप इसको बना सकते हैं। सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा और सभी आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे क्योंकि बनते ही इतना टेस्टी है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट बचाए थे वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं। इसे ये देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। थोड़े से पिस्ते, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया मखंडी हलवा बनके तैयार हुआ है और इसका एक एक दाना फूल गया है। देखते ही हो रही है ना खाने की इच्छा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आप इसे कब बना रहे हैं। बस बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम को आपको बिल्कुल स्लो ही रखना है, इसे तेज फ्लेम पे नहीं बनाना। अगर आप तेज फ्लेम पे इस हलवे को बनाएंगे तो हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।